इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हैप्पी न्यू ईयर। और आज नए साल पर मेरे पास एक LG का मॉनिटर है आपको दिखाने के लिए। ये मॉनिटर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, तो चलिए इस पैकेट को काट देते हैं। इस पैकेट के अंदर हमें ये ब्लैक बॉक्स मिलता है जिस पर LG का लोगो है और मॉनिटर का मॉडल नंबर मिलता है जो 22MP68VQ है। क्योंकि ये मॉनिटर 22 इंच का है तो हमें मॉडल के स्टार्टिंग में 22 लिखा हुआ मिलता है। ये IPS सिनेमा स्क्रीन मॉनिटर है। IPS का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग। IPS LCD डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है जिसमें कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और ब्लैक लेवल भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इस मॉनिटर में LG ने कलर पहले से ही कैलिब्रेट कर रखे हैं जिससे आपको कलर एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। और इस मॉनिटर में हमें AMD की FreeSync टेक्नोलॉजी मिलती है जो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मॉनिटर की MRP 11,800 रुपये हैं। बॉक्स खोलते ही हमें ये थर्माकोल की पैकिंग मिलती है मॉनिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके नीचे हमें मॉनिटर मिलता है इस शीट के अंदर। इस मॉनिटर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि जो मॉनिटर की बेजल्स है वो काफ़ी कम है। एक बारी मॉनिटर को साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। इसके बाद हमें बॉक्स में मॉनिटर का स्टैंड मिलता है। इस मॉनिटर में हमें कर्व स्टैंड मिलता है जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टैंड ब्लैक कलर का है जो प्लास्टिक से बना है और इसका बेस एल्यूमिनियम का है। स्टैंड की प्लास्टिक पर हमें ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो दिखने में ग्लास की तरह लगता है। स्टैंड के बाद हमें ये जॉइंट मिलता है जो मॉनिटर और स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका मटेरियल भी सेम स्टैंड के जैसा है। इसके बाद हमें बॉक्स में ब्लैक कलर का AC पावर अडेप्टर मिलता है मॉनिटर को पावर देने के लिए। इस अडेप्टर की आउटपुट 19 वोल्ट 1.3 एम्पियर है। पावर अडेप्टर के बाद हमें बॉक्स में ब्लैक कलर की HDMI केबल मिलती है मॉनिटर में इनपुट देने के लिए। इस केबल की लेंथ 2 मीटर है। इसके बाद हमें बॉक्स में ये छोटी सी क्लिप मिलती है जो केबल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है और ये क्लिप स्टैंड के पीछे लगती है इस तरह से। बाद में हमें मॉनिटर की डॉक्यूमेंटेशन मिलती है जिसमें बता रखा है कि मॉनिटर के साथ क्या क्या मिलता है और कौन कौन से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है इसके अंदर। इस मॉनिटर के साथ हमें 3 साल की वारंटी भी मिलती है। पूरी डिटेल के लिए आप इस वारंटी कार्ड को पढ़ सकते हैं। हमें बॉक्स में मॉनिटर की सॉफ्टवेयर CD भी मिलती है जिसमें इसके ड्राइवर्स है जिन्हें इंस्टॉल करके आप इस मॉनिटर के कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमें ये कलर कैलिब्रेशन की रिपोर्ट मिलती है जिसमें हमें बता रखा है कि मॉनिटर के कलर कैलिब्रेटेड है फैक्ट्री रिलीज से पहले। तो चलिए मॉनिटर में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये 22 इंच का फुल HD मॉनिटर है जिसका 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। बैक साइड ब्लैक कलर की है जो प्लास्टिक से बनी है। इस प्लास्टिक पर हमें ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। मॉनिटर की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक साइड में बीच में हमें LG का लोगो मिलता है और उसके नीचे हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें हमें DC पावर कनेक्टर, D सब पोर्ट, हेडफोन जैक, DVI-D और एक HDMI पोर्ट मिलता है। मॉनिटर के साथ स्टैंड लगाने के लिए सबसे पहले हम स्टैंड के ऊपर का पार्ट लगाएंगे। ये फिट होने के बाद हमें इसके नीचे एक स्क्रू मिलता है जिसे हम टाइट कर देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टैंड के बीच में गैप ना रहे। अब हमारे स्टैंड बनकर तैयार है और इसे हम मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटर से स्टैंड को कनेक्ट करने के लिए हमें बस इस स्टैंड को स्लाइड करना है और लॉक अपने आप लग जाएगा। इस मॉनिटर में हमें 2 से 15 डिग्री का टिल्ट एंगल मिलता है। व्यूइंग एंगल चेंज करने के लिए आपको मॉनिटर को ऊपर से पकड़कर पुश करना पड़ता है। मॉनिटर के नीचे की तरफ हमें जॉयस्टिक कंट्रोल मिलते हैं जिसे प्रेस करके आप मॉनिटर को ऑन कर सकते हैं। इस मॉनिटर का रेजोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है इस मॉनिटर के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप स्क्रीन के पास भी बैठ के देखेंगे तो आपको पिक्सल्स नहीं दिखेंगे। अब मॉनिटर ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं कि इस मॉनिटर की बेजल्स कितनी कम हैं। ये मैंने इस मॉनिटर में फुल HD मूवी चला रखी है जो पूरी स्क्रीन पर आ रही है क्योंकि मॉनिटर का रेजोल्यूशन भी फुल HD है और इसका एक्सपेक्ट रेशो 16:9 का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।